ज्ञान दी नगरी चैनल में स्वागत है सब दोस्तों का। तो आओ दोस्तों हर रोज़ की तरह एक बार फिर हाजिर हाँ एक नवा वाक्य लैके एक नवा किस्सा लैके। अज जो किस्सा है इस दे विच सानू की समझ लगेगा कि जो फकीर पीर होया करते ने इन्हां दी जबान दे उपर अल्लाह दी रहमत हुंदी है। जो कुछ जबान चो कह देना वह पूरा हो जाता है, इन्हां दे बोल पूरे हो जाते हैं। कहते हैं कि साधु बोले सह सवास, साधु का बोलिया बिरथा ना जा। साधु की जो जबान है उसके उपर परमात्मा का वास क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने पल पल सा सा जो भी है मालिक के लेखे लाया हों, हर साह के नाल अल्लाह का बिरध किया हों, हर शरीर का रोम रोम जपता है, इबादत करता है। तो इस तरह बाबा फरीद मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक वाक्य आप साझा करांगा कि उन्होंने किस तरह खारे पानी नू अपनी जुबान दे नाल मिठा कर दिता। तो वीडियो नू पूरा जरूर सुनना ते साडे इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना जी। कहिंदे ने एक मदरसे का पानी खारा सी, रोज़ उतों एक औरत घड़ा लैके लागे पैंदी एक नहर दे विचों पानी लैके आउंदी ते उत्थे दे बच्चियां नू पिलाउंदी। एक दिन जदों पानी लैण लई औरत जा रही ते बाबा फरीद जी रस्ते दे विच बैठे हुए सन, सवाल किया कि ऐ औरत घड़ा चक्के किधर नू जा रही है? तो वह कहण लगी, बाबा साडे मदरसे का पानी खारा है, पीण योग नहीं, तो मैं रोज़ जाती हाँ उस नहर के उपरों पानी भर के लियाँदी हाँ तो बच्चों को दिंदी हाँ। तो बाबा फरीद जी कहण लगे, जे बच्चों की गल है तो पानी लैण लई नहर ते जाण दी लोड़ नहीं है, तो पानी का मटका भर के मेरे को लैके आ, मैं उन्होंने मिठा कर देवगा। तो औरत बड़ी हैरान हुई कि तुसी पानी नू मिठा किवें करोगे? तो औरत वापस गई, पानी मदरसे दे विचों भरिया खारा बाबा फरीद जी दे कोल लैके आंदा। तो बाबा फरीद जी ने सूरत फातिया पढ़ के जो फूक मारी कहिंदे कि खारा पानी मिठा हो गया। जो औरत पी के देखदी है सच्ची मिठा हो गया, मदरसे बाहर चल गई। जो उत्थे दे बहुत बार सके उन्होंने कहा इन्नी छेती पानी भर के मुड़े आई? कहिंदी मैं पानी भरन गई ही नहीं, रस्ते दे विच एक फकीर बैठे सन, उन्होंने पानी नू फूक मारी सूरे फातिया पढ़ के ते पानी जिहड़ा है वह मिठा हो गया। तो वह मोर पर कहण लगा, सूरे फातिया तो मैनू भी आउंदी है, ये बाबे को जाण दी की लोड़ है, पानी भर के रखो मैं पढ़दा। तो कहिंदे कि उन्होंने कई घड़े भर के रख लै, कहिंदे एक बार सारे नू मिठे कर देवांगा। पढ़ पढ़ के सूरत फातिया फूका मारदा रहा पर एक भी घड़ा मिठा ना होया। घड़ा चक्या जाके बाबा फरीद जी कहन लगे कि ए बाबा तैं जदों फूक मारी घड़े का पानी मिठा हो गया, मैं कई वार फूका मार मार के हट गया। सूरत फातिया तुसीं एक बारी पढ़ी, मैं कई बारी पढ़ती पर यह पानी जिहड़ा मिठा नहीं होया, की कारण है? तो बाबा फरीद जी कहन लगे, कहिंदे कि तेरे को सूरत फातिया तो है पर फरीद की जुबान नहीं है, ये तेनू जुबान भी फरीद की चाहिए है। अल्लाह जिसते कर्म करे वो ही किसी के कर्म कर सकता, हर एक दे बस की गल नहीं। तो इस तरह बाबा फरीद जी ने उस मदरसे का पानी जिहड़ा खारा से उन्होंने मिठा किया। तो बहुत सारिया करामात बाबा फरीद जी ने हर रोज़ आप जी ने साझा करीदा। तो आस करा कि आप जी चंगा लगेगा, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, सबसक्राइब चैनल जरूर करना। अज लिए इन्ना ही, जल्द हाजिर होवांगा नवी वीडियो नाल। तद तक लई हक मुर्शद सच मुर्शद।